तो देखिए, आज का टॉपिक एक्सक्रीशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो बड़े ऑर्गेनिज्म हैं उनमें वेस्ट का जो सिस्टम है, मैंने आपको पहले बताया था कि मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकलता है। मेटाबॉलिक का मतलब होता है अगर जो वेस्ट सेल में बनता हो और सेल से बाहर निकलेगा, उस वेस्ट को मेटाबॉलिक वेस्ट कहेंगे। अब जरा इस बात को ध्यान से समझिए, जब वेस्ट निकलता है तो जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में रिमाइंड भी कर लीजिए, क्योंकि शायद कभी पूछा जा सकता है। जैसे लास्ट ईयर जो आपने 9th का चैप्टर उसमें कुछ पढ़ा था, उसमें एक फ्लेम सेल का नाम सुना होगा, जो कि प्लेटीहेलमिंथीज नाम के फाइलम के अंदर, के एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। नेफ्रिडिया सुना होगा, जो कि एनेलिडा के अंदर पाया जाता है। ग्रीन ग्लैंड्स वगैरह और मेल्फीजियन ट्यूब्यूल जो आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स वगैरह में पाया जाता है। किडनी लाइक ऑर्गन मोलस्का वगैरह में होते हैं। तो इस तरीके का सिस्टम जो है आपने पढ़ा होगा। अब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो वेस्ट का जो सिस्टम होता है वो क्या क्या होता है, तो वेस्क्रेटरी ऑर्गन्स में क्या क्या है, लंग्स, किडनी, स्किन, लीवर, जिनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो मतलब एक्सक्रीशन का जो ऑर्गन है जिससे ये बनेगा वो है किडनी। किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है। अब देखिएगा, लंग्स में से क्या निकलता है, प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सम हीट। किडनी में से क्या निकलता है, यूरिया एंड वाटर। यूरिया मतलब कन्वर्ट होके यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलती है। स्किन में से सॉल्ट्स, यूरिया, वाटर एंड सम हीट। तो आप बोलेंगे, सर स्किन से भी यूरिया निकलती है क्या? हाँ, बहुत ही थोड़े अमाउंट में यूरिया इसमें से भी बाहर निकलती है, ठीक है ना। उसके बाद लीवर, आपने लीवर के बारे में पढ़ रखा है कि वो बाइल प्रोडक्ट वगैरह बनाता है। बाइल प्रोडक्ट में जो बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन होता है, ये याद रखो, यहाँ पे बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन जो कि आरबीसी के डेड होने में से बनता है, याद रखना इस बात को। लिखा हुआ है बाइल प्रोडक्ट एज ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी, यानी बाइल पिगमेंट, जो कि मैं नाम ले रहा हूं तीसरी बार, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, याद रखिएगा इस बात को। अब हम आगे बढ़ेंगे, किडनी वगैरह क्या सिस्टम है, कैसे करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड में। ये नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा पाया जाता है। किडनी बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देखिएगा राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ा ऊपर होती है, थोड़ा सा ऊपर होती है, ऊपर नीचे आप कह सकते हैं। और जो किडनी है उसमें जो ब्लड जाता है, जैसे देखिए मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, हमारे स्टमक का एक नाम है, उसको हम कार्डियक भी बुलाते हैं, सॉरी गैस्ट्रिक भी कहते हैं, ऐसे ही हम हार्ट को कार्डियक कहते हैं, लीवर को याद रखिएगा हेपेटिक कहते हैं, उसका एक अलग नाम होता है, मतलब उसको हम साइंटिफिक बायोलॉजी की वर्ड में उसको हेपेटिक बुलाते हैं। ऐसे किडनी को भी एक अलग वर्ड के नाम से आप कह सकते हो, रीनल, याद रखिएगा इस बात को। जैसे किडनी फेल हो गई तो आप बोलेंगे रीनल फेल्योर, याद रखना इस बात को, किडनी फेल्योर नहीं बोलना है, रीनल फेल्योर बोलना है। और किडनी के अंदर जो भी चीजें जुड़ी होती है, मोस्ट ऑफ देम चीजों में रीनल वर्ड बार बार यूज में आएगा। तो जैसे कि किडनी में जो ब्लड वेसल अंदर जाती है ब्लड लेके, उसको रीनल आर्टरी। जो ब्लड वेसल किडनी से बाहर आती है, बाहर फिल्टर करा के ब्लड को, रीनल वेन। जो फिल्टर वेस्ट उसमें जो कलेक्ट हो गया है किडनी में, वो बाहर निकालेंगे, जो येलो कलर की जो ट्यूब दिख रही है उसे यूरेटर कहेंगे। फिर वो वेस्ट यानी कि जो यूरिन है वो कलेक्ट होगा यूरिनरी ब्लैडर में। फिर वो ब्लैडर जब फुल हो जाएगा तो अंदर उसमें कुछ ऐसी, अंदर की तरफ फुल जैसे ही होता है तो सेंसर मान लीजिए कि सेल्स जैसी लगी होती हैं, जो ब्रेन तक मैसेज भेजती हैं कि ब्लैडर फुल हो गया है। हमारे घरों में भी पानी की टंकियों में एक सेंसर लगाया जाता है, जैसे ही टंकी फुल होती है सेंसर भेजता है तुरंत उधर सिग्नल कि पानी की मोटर बंद कर दो। तो हमारा बॉडी भी बड़ी एडवांस है, उसी प्रकार का एक सिस्टम इसने भी बना के रखा हुआ है हर जगह पे, मतलब हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको हम पढ़ाएंगे कि वो कैसे ये सब कंट्रोल करता है। तो अब देखिएगा, यूरेथ्रा एक ट्यूब है जो उसके द्वारा बाहर निकलता है यूरिन। तो
तो अब इसमें देखिएगा किडनी के अंदर अब हम किडनी के बारे में और थोड़ा बहुत जानेंगे, किडनी क्या है, किडनी के अंदर क्या होता है। किडनी बीन शेप्ड की स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आप जानिए कि किडनी के जो अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें लगभग एक किडनी में 10 मिलियन, सॉरी 1 मिलियन यानी 10 लाख इस तरीके का किडनी का स्ट्रक्चर होगा। तो जो इधर का साइड है, जो ये वाला, ये जो थोड़ा सा कॉन्वेक्स साइड है, ये सॉरी कॉनकेव साइड, तो इसको बुलाएंगे हिलस, ठीक है ना। हिलस यानी कॉनकेव साइड को हिलेक्स, हिलेक्स बुलाते हैं। यहाँ पे हिलम हिलम लिखा होगा, ये हिलम कहें या हिलस कहें, बात एक ही है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं बहुत सारे, लगभग 10 मिलियन, 10 लाख या 1 मिलियन। और ये सब क्या क्या स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है, तो आपको एक और चीज मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि जो किडनी का जो ये आउटर बॉडी होती है, ये आउटर बॉडी यानी ये रेड लाइन जो बना रहा हूँ, उसके जो बाहर चीजें होंगी यानी जो इस जगह पे जो चीजें पाई जाएंगी उनको बुलाएंगे हम लोग कॉर्टेक्स। और जो सेंट्रल में यानी यहाँ जो चीजें पाई जाएंगी उन्हें बुलाएंगे मेड्यूला। ये आप याद रखना, कॉर्टेक्स यानी जो रेड लाइन के जो बाहर की चीजें वो कॉर्टिकल, और जो रेड लाइन के जो अंदर की चीजें वो मेड्यूलरी, ठीक है। तो दिखा भी हुआ, देखो यहाँ रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, ठीक है। तो अब मैं इसका डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ और वो आप देखिएगा कैसा दिखेगा आपको। बहुत ही बढ़िया डायग्राम, बहुत ही एडवांस सिस्टमेटिक है। देखिए कॉर्टेक्स के बारे में देखिए ध्यान से, क्या चीज दिखा रहा है ये कॉर्टेक्स के लिए, आउटर रीजन को कॉर्टेक्स बुला रहा है। पहली बात तो ये सुन लीजिए, किडनी एक टफ आउटर कवरिंग से कवर रहता है, उसका नाम कैप्सूल होता है। आउटर कवरिंग किडनी की कैप्सूल कहलाती है, उसको टफ कवरिंग बुलाते हैं, है ना। फिर उसके बाद अंदर का जो रीजन है, देखिए ये मेडुला बुलाते हैं उसको। फिर उसके बाद अंदर जो ये रेड रेड सी जो आपको ट्यूब दिख रहे हैं, ये जो अंदर मतलब जो ये जो ट्यूब है यहाँ पे, ये सब नेफ्रॉन है। अब ये नेफ्रॉन कैसे होते हैं कि ऐसे एक क्लस्टर, ऐसे पूरे ये ऐसे पाए जाते हैं क्लस्टर के अंदर, और इसके अंदर नेफ्रॉन यहाँ यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं सब। तो ये एक प्रकार का पिरामिड बनाते हैं। देखो ये पिरामिड, ये पूरा पूरा मेंशन कर रहा है, ये पूरा का पूरा पिरामिड है, मतलब ये एक पिरामिड दिखा रहा है, ये एक पिरामिड है, ये एक पिरामिड है, ये एक पिरामिड है, ऐसे बहुत सारे। फिर ये नीचे कट करके दिखा रहा है यहाँ पे पिरामिड के अंदर क्या होता है। मतलब कहने का है कि जो भी वेस्ट होगा वो यहाँ से कलेक्ट करके यहाँ पर छोड़ा जाएगा। देखो ये अंदर से यहाँ दिखा रहा है आपको, यहाँ पे ये देखो यहाँ से ऐसे जाता है, तो ये वेस्ट यहाँ पे आएगा, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये वेस्ट इधर की तरफ जा रहा है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक और बात दिखाई जा रही है कि इस चीज को नोटिस करिए, जो ये जो येलो येलो जो ट्यूब जा रही है अंदर की तरफ को, ये येलो ट्यूब पूरी, ये येलो ट्यूब, इसके इस रीजन को जहां सारा वेस्ट कलेक्ट होता है इसको पेल्विस कहते हैं। आप इसका नाम, इसको रीनल पेल्विस भी कह सकते हैं, रीनल पेल्विस। देखिए ध्यान, जैसे आप एक काम करिए, आप इसको इमेजिन करिए कि एक ब्रांच है, यानी कि ये ट्री है, ये ऐसा भी आप सोच सकते हैं। ट्री है, उसकी मेन ब्रांच स्टेम है, उसकी ब्रांच निकली हुई है, ठीक है। तो उस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो जहां वो जब वो रीनल पेल्विस के पास ओपन होता है तो उस जगह को बुलाते हैं मेजर कैलेक्स। सुनना इस बात को, जैसे कोई ट्यूब है, वो ट्यूब यहां तक पहुंच गई है, बीच में यहां तक आ चुकी है, इस जगह तक पहुंच चुकी है, तो उसको बुलाते हैं मेजर कैलेक्स। और जब वो स्टार्टिंग की बात करते हैं यानी यहाँ पे कहीं पे, वो उसको कहते हैं माइनर कैलेक्स। कहने का मतलब है, नीचे देखो, इधर देखो लेफ्ट साइड में, ये ट्यूब पतली है तो ये माइनर कैलेक्स कहलाएगी। आगे जाके ये ट्यूब बड़े बड़े ट्यूब में ओपन हो रही है, ये यहाँ पे ओपन हो रही है, तो इसका नाम पड़ गया मेजर कैलेक्स। बाकी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया रीनल आर्टरी, देखो ये ब्लड अंदर लाती है और रीनल वेन ब्लड बाहर ले जाती है, ठीक है ना।
इनलार्ज नेफ्रॉन्स भी दिए गए हैं इसमें। इनलार्ज नेफ्रॉन मतलब कुछ नेफ्रॉन मेड्यूला रीजन को क्रॉस करके कॉर्टेक्स रीजन तक पहुंच जाते हैं। ये जो रीजन है, आपको अगर मैं इसको लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा दूं, ये लाइन ड्रॉ करके ये यहाँ पे, तो ये कौन सा रीजन हो गया? ये रीजन हो गया मेडुलरी रीजन, अंदर का जो लाइन ड्रॉ कर दी मैंने ब्लू वाली, इसके अंदर का रीजन हो गया मेडुला। पर इस मेडुला लाइन से जो बाहर चले जाएंगे जो नेफ्रॉन्स, तो उनको इनलार्ज्ड नेफ्रॉन्स कहो या कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहो तो भी चलेगा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, CN, ठीक है। अब बताओ इसमें किसी को डाउट, किसी को भी कोई भी छोटा सा भी कोई डाउट है? अच्छा, अब एक और बात मैं बताना भूल गया, मुझे अभी याद आई, मैं ये सब हटा देता हूँ, फिर आपको फिर बताता हूँ। जो ये नेफ्रॉन है ना यहाँ पे अंदर, अब रुक जाओ मुझे बोलने दो। नेफ्रॉन ये जो है, ये नेफ्रॉन्स यहाँ पर ओपन होते हैं जब यहाँ पे, तो इस जगह को हम लोग नए नाम से बुलाते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट यानी कि आपको ऐसा सोचना है, नेफ्रॉन, उसके बाद आएगा कलेक्टिंग डक्ट, उसके बाद आएगा क्या आएगा, गैस करिए क्या आएगा, माइनर फिर क्या आएगा, मेजर कहाँ गया, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, समझ गए? तो ये है, अब बोलो कौन पूछ रहा था डाउट्स, कोई पूछ रहा था? फंक्शन था। ये कोई फंक्शन नहीं है, पाइप है, पाइप की जगह है, बस उसका ही नाम दिया गया है। मेन काम तो, मेन असली हीरो तो अपना नेफ्रॉन है, समझे? अब ये वही हो गया कि मतलब पाइप है जो आगे चल के डिवाइड होंगे, फिर इस तरीके से है, बाकी ऐसा कोई काम नहीं है उसका, कोई काम नहीं है उसका, ठीक है? तो ये कुछ को समझ में आ सर, ये गया? जो माइनर कैलिक्स है, ये एक-एक नेफ्रॉन से जाकर मिलता है, हाँ, माइनर कैलेक्ट, एक-एक या फिर एक 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 कलेक्टिंग कंपाउंड डक्ट से, रहता है? एक एक कलेक्टिंग डक्ट से मिलेंगे। अभी मैं आपको नेफ्रॉन का भी डायग्राम दिखाऊंगा, तो उसमें कलेक्टिंग डक्ट दिखेंगी। एक कलेक्टिंग डक्ट में कम से कम 10 नेफ्रॉन जुड़े रहते हैं, समझे? एक कलेक्टिंग डक्ट में 10 नेफ्रॉन जुड़े होंगे, और 10 नेफ्रॉन तो इंडिविजुअल हो गए, या ऐसे पढ़ो 10 से 12 नेफ्रॉन, फिर आएगा कलेक्टिंग डक्ट, फिर आएगा माइनर कैलेक्स, फिर आएगा मेजर कैलेक्स, फिर आएगा पेल्विस, फिर आएगा यूरेटर, ठीक है? डायग्राम आपको अच्छा दिख रहा हो तो इसकी फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, डन। हाँ, डाउट बोलिए। ये ब्लड का मेन जो प्योरिफिकेशन पॉइंट है वो कहाँ पर है? लीवर, तो सर यहाँ पे यहाँ पर ब्लड फिल्टर नहीं होता है, मतलब ब्लड प्यूरिफाई नहीं होता है, यहाँ ब्लड फिल्टर होता है, प्यूरिफाई होता है लीवर के अंदर ब्लड, ठीक है ना? हाँ, लीवर में, प्योरीफाई मतलब यही तो होता है कि गंदी चीजें निकल जाए। पर गंदी चीजों को कन्वर्ट कौन कराता है? मतलब जैसे कि हमने काम किया कि मतलब अच्छे से फिल्टर करना, मतलब ब्लड के अंदर जैसे कि क्या होता है, आपको शायद शुरुआत से बातें बतानी पड़ेगी। जैसे सेल में से वेस्ट निकलता है, तो निकलती है अमोनिया, सेल में से वेस्ट निकलती है अमोनिया। अब वो अमोनिया इतनी ज्यादा टॉक्सिक है कि वो हमारे ब्लड में अगर बहुत देर तक रह गई तो हम मर जाएंगे, सेल्स डैमेज हो जाएंगी। तो उन अमोनिया को भेजा जाता है लीवर के अंदर, और वो उसकी बनाती है, अमोनिया से बनाता है यूरिया। कौन बनाता है? अच्छा, लीवर। अब यूरिया को भेजा जाता है किडनी के अंदर,
तो किडनी यूरिया के साथ कुछ भी नहीं कर रहा है, किडनी यूरिया के साथ में केवल वाटर मिला के उसको यूरिन बना रहा है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि किडनी में यूरिया रोक ली जाती है, थोड़ी यूरिया, सम अमाउंट ऑफ यूरिया। जैसे मान लीजिए यहां पर रीनल आर्टरी से जो ब्लड अंदर जा रहा है उसमें 10 ग्राम यूरिया है, तो जो रीनल वेन से जो ब्लड वापस आएगा उसमें 1 ग्राम यूरिया होगी, पर होगी जरूर, ऐसा नहीं है कि जीरो यूरिया हो, कम होगी यूरिया लेकिन होगी जरूर, ठीक है ना। तो सर, ये यूरिया ही यूरिक एसिड भी होता है? यूरिक एसिड थोड़ा अलग होता है यूरिया से, ठीक है ना, फॉर्मूला बेस्ड में जाएंगे तो, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन यूरिक एसिड का यूरिया से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। ओके सर। तो मेजर अगर बोला जाए कि फिल्ट्रेशन कराने का काम है तो वो लीवर का है, और उसके बाद में मतलब अगर ब्लड को, अगर कोई, अच्छा देखो सुनो, अगर तुमको यही सुनना है तो ये फिल्ट्रेशन वर्ड को निकाल दो, ऐसे सुनो, ब्लड को प्यूरिफाई करना वो करता है लीवर, है ना। और अगर ब्लड से ये कहा जाए कि फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है, तो हाँ फिल्ट्रेशन यूनिट आप किडनी को बुला सकते हो, लेकिन प्यूरिफिकेशन यूनिट नहीं बुला सकते यूरिया और किडनी को, आप प्यूरिफाई करना इसका काम है आपका, लीवर का, ठीक है। तो ये हो गया। अब पानी, कौन सा पानी? हम जो पानी पीते हैं वो, नहीं, वो तो पानी ब्लड में है ना, जो ब्लड के, ब्लड जो अंदर जा रहा है किडनी के अंदर, ये जो ब्लड जा रहा है किडनी के अंदर, ये तो ब्लड, वही ब्लड है ना जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, और उसी ब्लड में क्या क्या होगा, उसी ब्लड में क्या होगा, सब कुछ होगा उसमें, वो नॉर्मल ब्लड है, उसमें खाना भी होगा, फूड भी होगा, वाटर भी होगा, हॉर्मोन्स भी होंगे, एंजाइम भी होंगे, सब पाया जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो किडनी क्या करेगी, बाकी सारा सामान, मैं वही तो पढ़ाऊंगा अभी, किडनी के अंदर क्या क्या होता है कि सर, वो, किडनी और वाटर भी रेगुलेट करती है ना, कि हाँ अगर हाँ हम हाँ ज्यादा हाँ पानी हाँ पी लो ऑस्मो तो वाटर रेगुलेशन, रिटेंशन ना हो। ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं उसको, ऑस्मो रेगुलेशन, वो भी मैं आपको ओके सर। पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको उसका फंक्शन पढ़ाऊंगा कि किडनी का फंक्शन क्या है, अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा, स्ट्रक्चर में किसी को डाउट तो वैसे नहीं होना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं, एक और डायग्राम मैंने रखा था, ये भी आपको अगर देखना हो तो आप देख लीजिए। अब आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो अगर हम नेफ्रॉन के डायग्राम की बात करें तो नेफ्रॉन का ऐसा कुछ डायग्राम होता है, ये वाला जो ट्यूब है ये नेफ्रॉन है, नीचे वाली जो मैं ब्लू से बना रहा हूं, नहीं ये थोड़ा ज्यादा आगे तक बन गया, वो कलेक्टिंग डक्ट थी, अब इसके ऊपर रहेगी ब्लड कैपिलरी जो रेड कलर की है, ये ठीक है। और ये लास्ट वाला जो है ये है कलेक्टिंग डक्ट, आप देखिए, एक एक ये देखिए नेफ्रॉन यहाँ जुड़ा हुआ है, देखिए एक ब्रांच ये दिख रही, यहां पर भी एक नेफ्रॉन जुड़ेगा और यहां पर भी एक नेफ्रॉन जुड़ेगा, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग बहुत आराम से समझेंगे, ये डायग्राम आप देखो पहले, फिर मैं खुद ड्रॉ करके आपको ये डायग्राम को समझाऊंगा अलग से। तो ये आप एक काम करिएगा, ये तो बुकलेट आपको तो मिली गई है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, है ना,
अब मैं आपको खुद ड्रॉ करके खुद समझाऊंगा कि ये काम कैसे करता है। किडनी का जो फंक्शन है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि वो काम कैसे करती है। देखिए, ये मान लीजिए इसके ऊपर ब्लड कैपिलरी, ऐसे जाती है। तो यहाँ पर इसका क्लस्टर पाया जाता है, ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर होता है ये यहाँ पे। तो जरा ये चीज को ध्यान से देखिए। मैं नाम पहले, मैं स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझना, फंक्शन हम उसके बाद पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या ये है। जो यू वाला होता है इसका नाम तो ब्रोमेंस कैप्सूल। मैं सबके नाम डालूंगा, रुक जाओ। इसका नाम है जो सबसे पहले लिया मैंने, इसको बोलेंगे एफरेंट इस वाले को कहेंगे। इफरेंट और एफरेंट आर्टीरियोल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप इन दोनों के डायमीटर का जरा चेक करिए। इसका डायमीटर ज्यादा है और इसका डायमीटर कम है, नैरो है ये। इसके बाद ये क्या है, ये जो सेंटर में है, क्लस्टर, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, ठीक है ना। नीचे वाला ये जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम है बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस अच्छा, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज का एक और नाम कह सकते हो। इसका एक नाम और है, इसको हम ग्लोमेरुलस भी कह सकते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। इस वाले का नाम है पी सी टी। पी सी टी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। और इस वाले का नाम है डीसीटी। डीसीटी यानी डिस्टल डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद ये जो रेड वाली है, इसको बोलते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पैरी मतलब होता है आउटसाइड, बाहर की कैपिलरीज, और लास्ट वाले इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये था स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर को ध्यान से याद करना, बहुत आराम से याद करना, क्योंकि जितने बच्चों को डायग्राम याद होगा
आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको खुद ड्रॉ करिएगा घर पे, और अच्छे तरीके से करिएगा और बेहतर ढंग से करिएगा, क्योंकि मैं तो ये लाइट पेन से कर रहा हूँ तो उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, पर आप पेंसिल से बढ़िया से ड्रॉ करिएगा और उसकी प्रैक्टिस करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को डायग्राम याद होगा उन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर सपोज मैं आपसे कल पूछता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे पूछूंगा कि पीसीटी कहाँ होती है, इमेजिन करिए पीसीटी कहाँ होती है, पीसीटी से ट्यूबुलर कैपिलरीज में कुछ जाता है, तो आपको दिमाग में पिक्चर ही नहीं होगी, अगर तो आपको कुछ याद ही नहीं होगा, समझ में ही नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ और किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। तो पीसीटी और डीसीटी, बाउमेंस कैप्सूल और क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस, ये सब कुछ आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल आसान लगेगा, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ले लिया? अब चलिए इसकी मैकेनिज्म पढ़ी जाए, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, वो हम लोग समझेंगे। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, देखिए मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। इसमें तीन स्टेप्स आती हैं। नंबर वन आता है, याद रखिएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नंबर टू पे आता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है ना? और तीसरा आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। ये तीन चीजें आपने समझ लिया, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो अब इन तीन चीजों में से हम पहली चीज आपको समझाने जा रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो ये देखिए, ये बोमेंस, ये मैं बना रहा हूं यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल, और ऊपर बनाऊंगा मैं ग्लोमेरुलस। अब इनमें, यहां से ब्लड जब अंदर आता है तो देखिएगा ध्यान से, ये ब्लड में सब कुछ होता है, इसको हम लोग बुलाएंगे ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा ये अंदर जाएगा फिल्ट्रेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको क्या क्या रखता है ब्लड प्लाज्मा। यूजफुल सामान रखता है अपने साथ। यूजफुल सामान में क्या क्या रखेगा? रखेगा ग्लूकोज, रखेगा वाटर, रखेगा प्रोटीन, रखेगा सॉरी अमीनो एसिड। सॉल्ट्स, यस सॉल्ट्स हो गई, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स, ये सब चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी और इस तरीके की। तो ये सब इसके अंदर जाएगा, प्लाज्मा के साथ इसके अंदर आएगा। अब ये जब इसके अंदर आएगा तो ये यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, सब जगह पे, यहाँ यहाँ यहाँ। अब देखो, ये देखो ध्यान से कि ये एरिया नैरो है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम था एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट। कौन बोला अमीनो एसिड हार्मफुल होता है? नहीं, एमिनो एसिड बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता है। अब देखो, ल्यूमेन का जो फर्क है, डायमीटर में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। आप एग्जांपल सोचिए कि आपके घर में जो गार्डन का पाइप है पानी डालने वाला, तो अगर आप उसके अगले सिरे को बंद कर देंगे, अपने हाथ से दबा लेंगे, तो पीछे के सिरे में प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा?
बोल के बताइए। इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होने के साथ में इसमें इंक्रीज होगा प्रेशर, यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो ये प्रेशर इसको हेल्प करेगा कि चीज़ें यहाँ से यहाँ पर फिल्टर होने लगेंगी, ये चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफ़र होने लगेंगी, यानी यही ब्लड प्लाज्मा यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जब ये अंदर आ चुकता है, यहाँ पे आ जाता है, ये चीज़ जब यहाँ पे आ गई है, तो इसका नाम बदल जाएगा। अब इसको हम क्या बुलाएंगे, फिल्ट्रेट। क्या बुलाएंगे, ये मैं बोल्ड लेटर से बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, इसको फिल्ट्रेट कहेंगे। याद रखिएगा इस बात को कि जो फिल्ट्रेट है वो क्या हो गया, मतलब ब्लड प्लाज्मा क्या हो गया, ट्रांसफर हुआ। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ, मैं इसका भी नाम आपको पूछूंगा, आपसे याद रखिएगा। इसका नाम था, क्या नाम था इसका, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से कहाँ चला गया, बाउमेंस कैप्सूल के अंदर। तो मैं पहली हेडिंग को आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है। व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्रांसफर ऑफ, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ट्रांसफर ऑफ ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू बाउमेंस कैप्सूल इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कोई बच्चा रिपीट करके सुनाओ मुझे। हेलो, ट्रांसफर ऑफ ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज टू बाउमेंस अब बोलो। और कोई बोलो, शिवेन बोलो। अबे एफरेंट नहीं बोलना है, इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें किसी को डाउट, अब ये फिल्ट्रेट में क्या क्या आ जाएगा, फिल्ट्रेट में सब कुछ आ जाएगा, फिल्ट्रेट में यूजफुल भी आ गया और वेस्ट भी आ गया, दोनों आ गए, आप याद रखना इस बात को। फिल्ट्रेट में यूजफुल भी आएगा और वेस्ट भी आएगा, हाँ दोनों दोनों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो